तो मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और आपका होस्ट। स्वागत करता हूं आपका वीकली राशिफल में। और माफ़ी चाहता हूं आपसे कि लास्ट वीक का राशिफल मैं नहीं दे पाया क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। बात करेंगे हम लोग लास्ट सप्ताह के इस महीने की कि कैसा रहेगा आपका ये आने वाला वीक। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों की इस सप्ताह में आर्थिक सुधार होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। विदेशों से भी धन प्राप्त होने के यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि खर्चा भी उसी हिसाब से होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कहीं पर कुछ सीखना नया चाहते हैं तो आपसे आप सीख सकते हैं, बल्कि आपको कुछ ऐसे चीज़ों में भी आपकी रुचि बनती हुई यहाँ दिखाई दे रही है जो आपको नया कुछ करवाने को प्रेरित करेगी। ओवरऑल आप काफ़ी पॉजिटिव इस वीक में रहेंगे। और कोई अगर छोटी मोटी दिक्कत भी अगर आपको आती है तो वो आपको इतना परेशान नहीं कर पाएगी। 24 और 25 में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आर्गुमेंट से बचिएगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों का कैसा रहेगा लास्ट का सप्ताह। निजी संबंधों में थोड़ा बहुत यहाँ पर अप एंड डाउन दिखा रहा है। व्यावसायिक कार्यों में भी रुके हुए काम यहाँ पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और विदेशों से भी लाभ की स्थिति यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। कार्यों को पूर्ण करने के लिए आपके स्वभाव में भी आप अपने पॉजिटिवनेस देखेंगे। अगर आप नौकरी इत्यादि चेंज करना चाह रहे थे तो अब आप नए अपॉर्चुनिटी की तरफ देख सकते हैं। समय आपके लिए ठीक बना हुआ है। थोड़ा सा 27 और 28 तारीख में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं जैमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा। अगर आप कुछ जमीन जायदाद से रिलेटेड कुछ कोई सौदा करने जा रहे हैं तो मेरी आपसे राय रहेगी कि आप उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें और ख़ासतौर से अगर इस समय को टाल दें तो ज़्यादा बेटर है। या आपको भी विदेश से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉटरी सत्ते से थोड़ा सा दूर रहें और नहीं तो आपको काफ़ी नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। हालांकि अगर अगर मैं बात करूँ तो आपको अपने बुज़ुर्गों की सलाह लेनी चाहिए कोई भी बड़ा काम करने से पहले, और उनसे बिना फालतू का कोई भी आर्गुमेंट उनसे नहीं करना चाहिए। 29 और 30 को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। माफ़ कीजिएगा, स्वास्थ्य थोड़ा सा ख़राब है। अगर मैं कर्क राशि वालों की बात करूं तो आजीविका में थोड़ी सी जो अब तक प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी पिछले सप्ताहों में, अब आप उससे दूर होंगे। और कहीं ना कहीं आपको जो सपोर्ट की कमी आप महसूस कर रहे थे वो सपोर्ट की कमी आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। उनका अपने बॉस के साथ अच्छी पटेगी और जो पास के एक्सपीरियंसेस आपके हैं वो आपको अब अच्छा लाभ यहाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 22 और 23 में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा ये सप्ताह। दोस्तों बता देता हूँ कि ये जितना भी आप एनालिसिस सुन रहे हैं जनरलाइज है और साथ ही साथ लगन बेस पे आधारित है। आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है सिंह राशि वालों को। और अगर आपने किसी को ऋण दिया है या लोन दिया है तो वो भी यहाँ पर वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं पे किसी प्रिय व्यक्ति के साथ जीवन साथी के साथ घूमने का प्लान आपका बन सकता है। सेहत में थोड़ा सा नरम गरम आपकी लग सकती है स्थिति। दूरियाँ ना बनाएं और अपने मन को एकाग्रचित रखें और अपने जिससे आप पसंद करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, चाहे वो आपकी माता जी ही क्यों ना हो, उनसे दिल खोल कर बात करें। चुप रहने से आपको कुछ लाभ होने वाला है नहीं। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। आपको रिस्क फैक्टर्स पे ध्यान देना है और कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो। आपको जो भी आप इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस से रिलेटेड कुछ निर्णय अगर आप लेना चाह रहे हैं इस सप्ताह में तो मेरी राय आपको रहेगी कि आप कुछ दिन के लिए रुक जाएं। और लंबी अवधि के जो भी आपके इन्वेस्टमेंट हैं उनमें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट है उसकी जो भी प्लानिंग करनी है बहुत सोच समझ कर करनी है और बड़ों का साथ लेते हुए आपको करनी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग तुला राशि वालों का कैसा रहने वाला है ये जो सप्ताह रहेगा लास्ट। परिवार में थोड़ा बहुत विवाद होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। खासतौर से पापा के साथ आर्गुमेंट्स होते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि अगर आपकी कोई बीमारी चल रही थी तो वो बीमारी में आप कमी देखेंगे, साथ ही साथ थोड़ा खर्चा भी यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरी राय आपको ये है कि अभी आप थोड़ा सा और उसकी जांच पड़ताल कर लें, फिर तो थोड़ा रिसर्च वर्क कर लें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। 29 और 30 को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। अनैतिक कार्यों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है और आपको लोगों को समझने की ज़रूरत है, तालमेल बिठाने की आपको ज़रूरत है। कुछ सिचुएशन ऐसी बनेंगी कि आपके लव मैटर्स में कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे, लेकिन मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस समय को निकाल दें, ख़ास तौर से लव मैटर्स के मामले में। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें मेहनत का काफ़ी टाइम करना पड़ेगा और उतना उन्हें प्राप्त नहीं होगा जितना वह प्राप्त करना चाह रहे हैं। मेहनत का समय है, इसको मेहनत से ही काटें। जब शनि 26 अक्टूबर को चेंज होगा तब आप अपने राशि में काफ़ी अंतर देख पाएंगे, उसका वीडियो भी मैं आपको ज़रूर बना के दूंगा, उसकी चिंता आप ना करें। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों का कैसा रहेगा लास्ट का सप्ताह। जो लोग अच्छी पढ़ाई करना चाह रहे हैं उनके लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। आपके कार्य क्षेत्र में यानी कि आपके जहाँ आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं वहाँ पर आपको लोग आपकी बातों को सुनेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक पॉजिटिवनेस आपके लिए अच्छी रहेगी और आपका जो पुरुषार्थ है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और जिससे आप जो कठिन कार्य हैं उनको बहुत सहजतापूर्वक कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 26 तारीख को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर सप्ताह अच्छा है, आपको मेहनत तो कराएगा लेकिन आपको उसके अच्छे फल भी ये ज़रूर देगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों का। कॉन्फिडेंस इज अ गुड थिंग, कॉन्फिडेंस अच्छा है आपका, लेकिन उसको एक्साइटमेंट में ना चेंज करें। एक्साइटमेंट में हो सकता है कि कई बार आप कोई गलती कर दें, तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ आपको आपकी मम्मी का साथ यहाँ देखते हुआ मिल रहा है और शैक्षिक नतीजे या एकेडमिक्स में अगर आप सीटीज दे रहे हैं या क्लास टेस्ट दे रहे हैं या आप कुछ प्रैक्टिकल्स दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कारोबार के अंदर अगर आप कुछ एक्सपेंड करना चाह रहे थे तो वो तो यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वैसी अपॉर्चुनिटी शायद अभी आपको नहीं मिलेंगी जितनी आप चाह रहे हैं, जितनी आप अपने माइंड में लेके चल रहे हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका टाइम अच्छा रहेगा। 27 और 28 तारीख को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अपने कार्य में, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा वो मध्यम समय मुझे दिखा रहा है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। कार्य क्षेत्र में कोई नया निर्णय ले सकते हैं या नए व्यापार को स्टार्ट करने की सोच सकते हैं। वैसे भी नवरात्र के दिन चल रहे हैं, सोच का विचार करके जो कार्य करेंगे उसमें आपका भाग्य तो 100% होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरा रिसर्च करके करें। भाई बहन और मित्रों का संबंध भी बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका सहयोग भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 29 और 30 को थोड़ा सा ध्यान रखें। कुल मिलाकर सप्ताह काफ़ी अच्छा है, आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जैसे फिर से रिपीट करूँगा कि सारी चीज़ें कर्मों पर बेस्ड होती हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए स्थिति सुखद बनी रहेगी। नई नौकरी प्राप्त करने के यहाँ पर हैं, जो लोग नौकरी तलाश कर रहे हैं उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल सकती है। सेहत के प्रति थोड़ा सा सतर्क आपको रहना होगा। धन लेन देन के कार्यों में अतिरिक्त सावधानी आपको बरतनी होगी। नौकरी में बदलाव करने का विचार कर रहे हैं तो समय आपके लिए सहयोगी बना हुआ है। दोस्तों ये तो था एक छोटा सा अवलोकन। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इसको शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 9411848535999623823523 पर सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा और मैं कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि नंबर जो है बंद रहेगा। और साथ साथ 9411638253 पे आप मैसेज मत कीजिएगा नवरात्रियों तक, क्योंकि नवरात्रियों तक जो दीप्ति जी हैं वो थोड़ी बिजी हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल रहूँगा व्हाट्सएप पर, और जितने भी एनालिसिस हम लोग करते हैं वो उसके लिए आपको निश्चित धनराशि देनी होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। इसके अलावा हमारी वेबसाइट देख सकते हैं और मेरी ऐप अब आ गई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने अक्टूबर का भी राशिफल देना स्टार्ट कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ वीडियोस मैंने नवरात्रि के ऊपर बनाई हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा।
इसी तरह वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिएगा।